के तू भूखो है बागा। हाँ मैं भूखो हूँ, चाल देखा के मिलेगो खान खातर बाजार में। देख बागा बठा मूंगफली है, मन्ने बहुत अच्छी लगे। कोई बात कोनी, अपन चोरी कोनी करा, बस जाके ही देखा। बाज बागा बाज। ओ पुठा और है चोरो। बेटा क्यों हो गयो, तू ठीक तो है? आपा गठा थे किस्मत आला हो जिका सत्संग में आया हो, और आज आपा बात करांगा के परमेश्वर आपनो के चावे के आपा लोग चोरी ना करा। मैं सोचू थारो विचार अच्छो है, पर मैं जानू के चोरी करनी अच्छी बात कोनी, फिर भी कदे कदे अपने आप ने काबू कोनी कर सकू। क्यों के थारक ने बा शक्ति कोनी जिकी थाने बुराइयों रोक सके, थाने भी शक्ति की जरूरत है जिकी थाने बुरा कामों रोक दे। मैं ताकत आला हूँ, मन्ने किंगे सारे की जरूरत कोनी। ठीक है, मन्ने थोड़े सारे की जरूरत है। वास्तव में वो एक ही आदमी है जिको मने बुरा कामों रोक सके, और मने पुराने जन्मों गे चक्करों बचा सके। ई नारियल गे माँ गुप्त सामर्थ को राज छिपेड़ो है। नारियल आओ भाइयो, मैं एक थाने महान आदमी के बारे में बताऊं। बंगो एक न्यारे तरीकों इन दुनिया में मां जन्म होयो, और एक चमकीले तारे गए रोशनी में बंगो जन्म होयो। तीन राजा अगुणी दिशा मु बंगो दर्शन करना आया। जिया जिया वे मोटा होया, बिया बिया मां परमेश्वर का बचनाऊ बोला ज्ञानिया ने अचंभित करया। बे भगवान यीशु बहुत ही शक्ति आला है। हाँ मेरे प्यारे भाइयो, जिको परमेश्वर ई पूरी दुनिया ने बनाई यीशु मसीह बांगो लाडलो बेटो। धरती और आकाश और दुनिया की सारी चीजें मांगी बात ने माने। एक दिन यीशु आपके चेलों के सागे किश्ती पर सुत्या। बी टाइम में बहुत तकड़ी अंधीर जंगेड़ो आयो, और बिंगा चेला डर गया और यीशु ने बाँ जगा दियो। बी टाइम ही यीशु आंधी और पानी की छला ने ठमण को कहो, और बी टाइम ही आंधी और पानी की छला ठम गई। एक दिन भगवान यीशु के साथी लाजर की मौत होगी। जब भगवान यीशु लाजर की कब्र पर गया, जब लाजर ने मरे ने चार दिन हो गया। जद यीशु लाजर ने नाम लेके बुलायो, और लाजर दोबारा जीवित हो गयो और पूरी तरह ठीक हो गयो। एक दिन यीशु 5000 लोगों ने शिक्षा देन लाग रहा, और लोगों ने बहुत तकड़ी भूख लाग रही, और बठे ही एक छोरे के कन्ने 5 रोटी और 2 मछली। यीशु 5 रोटी और 2 मछली लेके आशीष दी, और यीशु चमत्कार करियो का सारे लोगों ने दबा दिया। सारे लोगों के जीवने के बाद भी रोटी और मच्छी बच गई। महाराज यीशु अपनी सारी जरूरतों को ध्यान रखे, और आपा सारा ने बहुत ही प्रेम करे। पर बागो जानना चाहे आ सारा को एक नारियल के लेन देनो है। यीशु इन दुनिया में आया के मारू प्यार करे और मारी मदद भी करनी चाहवा, पर की लोग बहु नफरत करता और बना मारनो भी चावा। यीशु ने सरकार का आदमी पकड़ियो, और बने मौत की सजा भी सुनाई। बने पहाड़ के ऊपर ले गया, और बंगे आतार पगांगा मां मेखा ठोक दी, और बने सूली पर चढ़ा दिया। जितबा आपकी आत्मा ने पिता का आत्मा में दे दी, और वे
मर गया। एक मिनट ठहरो, भगवान यीशु इतना ही शक्ति आलो तो मरो किया? वो सूर्य नीचो क्यों को नहीं आयो? वो एक बहुत ही अच्छो प्रश्न है के बंगो मरनो एक दुर्घटना कोनी, बंगे मरने के पीछे भी एक कारण हो। जिये नारियल टूट्यो बिया ही यीशु को बलिदान होयो के मैं सारा बच सका और बंगे खून बनाऊं, मारे पापा की माफी खातर शक्ति मिले। हाँ बंगी मौत में शक्ति है। और अठे ही खत्म कोनी हुए, यीशु के मरने के बाद बांगा चेला बांगा शरीर ने कब्र में रख दियो। 3 दिन के बाद यीशु फिर जीवता हो गया और कब्रू बारा आ गया। बिंगे बाद वे आपके चेला ने दर्शन दिया और बाने कहो के थे जागे सारी दुनिया ने वो सुसमाचार बताया। यीशु आपके चेला के सगे वायदो करियो के एक दिन वे शक्ति और महिमा के सगे जरूर पाछा आवेगा। बिंगे बाद वे स्वर्ग में चलिया गया और आज तई स्वर्ग में एक राजा के तरिया बैठे। एक यीशु महाराज की आज्ञा ने मान गए और वहाँ पर चाल गए और विश्वास कर गए ही मैं मारा पापाऊं छुटकारो करा सका। हाँ मैं और भागो भगवान यीशु का चेला बनना चाहूँ और बीम पर विश्वास करना चाहूँ। हे मेरा बहुत ही अच्छा टावर हो, छेकर जाके मिली यार होटिया चोर। माने तो उन्होंने माफ कर दे, मैं मुंह की चोरी। मैं थाने माफ करूं, लियो मुंह की और ले लियो। आओ आपा थारा मिल गए, धन्यवाद करा और खुशी मनावा आपने प्यारे यीशु के नाम में। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी पाट, यीशु जी मारा लाड केला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी पाट, यीशु जी मारा लाड केला।